नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संकल्प के अनुसार शनिवार को भी पौधारोपण किया। सीएम ने श्यामला हिल्स पर सप्तपर्णी का पौधा लगाया और प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी को पेड़ लगाना चाहिए। इस दौरान सीएम शिवराज ने पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि बंगाल की जनता ममता दीदी के कुशासन से परेशान है, डर और भय का वातावरण है, लेकिन बंगाल के कार्यकर्ताओं का बलिदान खाली नहीं जाएगा। बीजेपी बंगाल में सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि बंगाल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। यहां 8 चरणों में चुनाव होंगे। तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपने बड़े नेताओं को बंगाल भेजना शुरू कर दिया है। सीएम शिवराज सिंह भी बंगाल में होने जा रही परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। एक तो मेरी अपील कि पर्यावरण बचाने के लिए मैं रोज एक पेड़ लगा रहा हूं। मध्य प्रदेश के सभी भाई बहन साल में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं किसी शुभ अवसर पर, क्योंकि पेड़ बढ़ेंगे तो धरती बचेगी। अब मुझे तो इतनी कहना था। सर, ये पश्चिम बंगाल आप जा रहे हैं? हाँ, जरूर जा रहा हूँ। आज रात को मैं कलकत्ता पहुंच जाऊंगा। कल परिवर्तन जो रैली है उसके दौरान मेरी 3 सभाएं होंगी, रास्ते में ही परिवर्तन रैली के, और एक सभा हावड़ा साउथ के दानेश में होगी रात में। अब तो संघर्ष का चुनाव का विगुल बज गया है और भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है। ममता दीदी घबराई हुई भी है और बौखलाई हुई भी है, इसलिए परिवर्तन रैलियों पर हमले किए जा रहे हैं। अनेकों कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है, लेकिन कार्यकर्ताओं का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ममता दीदी के कुशासन के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ, लूट के खिलाफ पश्चिम बंगाल उठ के खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता मिलेगी। अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी।